जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फिर नॉलेज 1998 पर। साथियों, आप सभी के लिए मैं फिर से एक नई खुशखबरी लेकर आया हूं। आप सभी के लिए असम राइफल में न्यू वैकेंसी जारी कर दिया गया है। अगर आप अपने मोबाइल पर भी चेक करना चाहते हो तो आप असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हो, जैसा कि इस नोटिफिकेशन पर दिया हुआ है www.asamrifle.government.in पर, ठीक है। साथियों, अगर आप सिंपल 10th पास हो या 12th पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं अपने इस वीडियो पर आपको पूरी डिटेल A to Z जानकारी इस वीडियो पर देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वैकेंसी की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसमें आपकी लास्ट डेट बताया हुआ है 12 मार्च को। 12 मार्च इसका आप लास्ट डेट बताया गया है कि, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका इसको सबमिट करना है ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन इसको सबमिट करना है। यह जो वैकेंसी ऑनलाइन नहीं है, यह ऑफलाइन निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पे 12 मार्च आपका दिखा रहा है कि 12 मार्च आपका जो है लास्ट डेट इसमें रहने वाला है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अब रैली आपकी कब होना, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 मई 2022 को आपका जो है रैली कराया जाएगा। साथियों, यह डेट चेंज भी हो सकती है, यहाँ पर टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ कोरोना वायरस यदि ज़्यादा रहता है तो इसको टेंटेटिव माना गया है, इसको पोस्टपोन भी कर दिया जाएगा। बाकी यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपका जो है 2 मई 2022 को आपका जो है रैली कराया जाएगा। अब यहाँ पर आप ट्रेड के हिसाब से आप वैकेंसी देख सकते हो कि आपका कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले इसमें असम राइफल में जनरल ड्यूटी के लिए, जीडी के लिए जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हो। इसमें 94 पोस्ट देखने को मिलने वाली है। हवलदार क्लर्क के लिए इसमें भी दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, 4 पोस्ट है। वॉरियर ऑफिस के वारंट ऑफिसर के लिए 4 है। हवलदार ऑपरेटर के लिए 37 है। और राइफल आर्मीवर्स के लिए 2 वैकेंसी है। और राइफल लेबोरेटरी के लिए 5 वैकेंसी है। और राइफल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है। राइफल वॉशरमैन के लिए 4 वैकेंसी है। और यहाँ पर राइफल आया के लिए आपका 1 वैकेंसी। टोटल 152 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है इस वैकेंसी पर, ठीक है साथियों। अब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें हम योग्यता की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसको कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, यह आप सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, मैं इसका कुछ योग्यता बताता हूँ कि आप कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला साथियों, असम राइफल के अनुकंपा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी के असम राइफल के क्रमिकों को केवल 1 आश्रित ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है साथियों। यहाँ पर सबसे पहले लड़ाई या उम्मीदवारों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिकों की आश्रितों के लिए, ठीक है साथियों। और नंबर दूसरा है असम राइफल में सर्विस के दौरान मृत्यु हुई सैनिकों के आश्रितों के लिए है। और तीसरा है मेडिकल ग्राउंड में पेंशन गए हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए मेडिकल बोर्ड तथा अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी संकल करें, तो ठीक है साथियों। यहाँ पर आपके जो है कोई भी रिश्तेदार, आपके जो है फादर या कोई उग्रवादी मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए हैं या फिर गुमशुदा हो गए हैं, तो वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है कि सर्विस के दौरान मिसिंग गुमशुदा हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए FIR तथा अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी संकलन करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप कैसे अप्लाई करें, तो ये ऑफलाइन मोड मैंने आपको बताया हुआ हूँ। और आपको जो साथियों यहाँ पर है सेल्फ असिस्टेड कॉपीज़ आपको भेजना है कि एजुकेशन की 10th और 12th की मार्कशीट है, डोमेसियल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा आपका टेक्निकल ITI का कोई भी हो सकता है, ठीक है साथियों। आप इसको अपने ऑफलाइन के साथ इस पते पर आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्टर जनरल असम राइफल रिक्वायरमेंट ब्रांच करके, तो यहाँ पर आपको सेंड करना है। और साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इस ईमेल आईडी पर भी सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी की, तो आप यहाँ पर प्रायोरिटी पढ़ लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो करके, ठीक है, यहाँ पर बताया हुआ है सब। अब हम यहाँ बात करते हैं साथियों कि आपका जो है कितना फिजिकल मांगा हुआ है, ठीक है। फिजिकल की हम बात करें तो यहाँ पर आपका फिजिकल मांगा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए आपको 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर है। और आपका जो है चेस्ट नॉर्मल 80 सेंटीमीटर रहेगा, और इंप्रेशन के दौरान 5 सेंटीमीटर आपका इंक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम रिलैक्सेशन की हाइट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका शेड्यूल कास्ट ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट आपका जो है 76 रहने वाला है, और 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होने वाला है। अब यहाँ पर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट की बात कर लेते हो, तो 57 सेंटीमीटर है आपका मेल का, और 147 सेंटीमीटर फीमेल का है। 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रखा गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं लेफ्ट विंग आपका ST के लिए कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पर 160 सेंटीमीटर है मेल के लिए, 147 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है, और 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहने वाला है, ठीक है साथियों। तो आप देख सकते हो आप जिसमें कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है चेस्ट और हाइट का, ठीक है साथियों। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं साथियों कि आपका जो है कि आपका
क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है कौन कौन सी पोस्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी के लिए, इसमें फीमेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 10th क्लास स्टैंडर्ड आपका मांगा हुआ और आपका 18 से 23 ईयर तक एज होना ज़रूरी है। और यहाँ पर क्लर्क के लिए आपका जो है 10th+12th पास मांगा हुआ है। और स्किल टेस्ट भी आपका मांगा हुआ है, स्किल टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगा हुआ और इसमें आपका एज 18 से 25 ईयर तक होना चाहिए। अब रेडियो मैकेनिकल की जो है पोस्ट आई हुई, इसमें आपका सिंपल 10th पास मांगा हुआ है, 12th पास से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी आपका एज 18 से 25 ईयर तक मांगा हुआ है। ऑपरेटर रेडियो की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 10th पास मांगा हुआ है, 12th पास मांगा हुआ है, इसमें भी आपका एज 18 से 25 ईयर तक रहेगा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एम्यूचर की पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, राइफल में 10th पास मांगा हुआ, बेसिक आपका 10th पास है, 18 से 23 ईयर तक आपका एज होना चाहिए। और लैब असिस्टेंट की पोस्ट में आपको भी सिंपल 10th पास मांगा हुआ है, 18 से 23 ईयर तक आपका इसमें भी एज होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपका सिंपल 10th पास भी मांगा हुआ है, 18 से 23 ईयर तक एज रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सभी में 10th पास मांगा हुआ, वाशरमैन में भी, आया में भी 10th पास है और 18 से 25 ईयर तक आपका एज रखा हुआ है, ठीक है साथियों। तो ये पूरा डिटेल थी, और आपको जो समझ में ना आए तो आप इसको साथियों कमेंट सेक्शन पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका हेल्पलाइन यहाँ नंबर भी दिया हुआ है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, और ये आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि साथियों ये आप ओनली एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप 2-3 पोस्ट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप यदि GD पोस्ट के लिए डाल रहे हो तो आप ओनली GD पोस्ट पर, वहाँ पर पोस्ट का नाम दिया हुआ तो ओनली GD ही अप्लाई कीजिएगा, आप 2-3 पोस्ट नहीं डालिएगा। ओनली इसमें एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को ही बुलाया जा रहा है, तो आप एक ही पोस्ट डालिएगा, ठीक है साथियों। आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हो, 12 मार्च इसका लास्ट डेट रहने वाला है, मैं आपको एक बार और याद दिला दूं। तो आई होप साथियों आप इसको नोटिफिकेशन समझ गए होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में वैकेंसी को लेकर बहुत जल्दी अपडेट दिया जाता है, चाहे वो सैनिक बहाली हो या फिर अदर कोई भी वैकेंसी हो। जय हिंद।